असलमैकम जी आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अच्छा आई नो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए और इसीलिए आप लोगों को खुश करने के लिए मैं आप लोगों की फेवरेट वीडियो लेकर आई हूँ आज दराज शॉपिंग हॉल तो ये अनबॉक्सिंग वाली वीडियोज आपकी वैसे ही फेवरेट होती है आई होप कि आपको ये पसंद आएगी और आज की वीडियो के लिए तो मैं खुद भी बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपना मैं कमरा रेनोवेट कर रही हूँ और उसके लिए मैंने काफ़ी सारी मज़े मजे की चीज़ें मंगवाई हैं आज की वीडियो में कुछ फर्नीचर भी है जो कि मैंने दराज से ही मंगवाया था और इसके अलावा कुछ बहुत ही अस्थेटिक सी और पेंटरेस्ट इंस्पायर्ड जो होम डेकोर की चीज़ें होती हैं वो सभी भी मंगवाई हैं तो आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है और काफ़ी लेंदी भी होने वाली है तो भाग के जाओ कोई चाय काफ़ी या स्नैक्स वगैरह पकड़ लो और पूरी वीडियो एंड तक देखना तो कोई एक महीने से मैं ये चीज़ें ऑर्डर कर रही थी अभी इकट्ठे सारी जमा गई हो गई हैं मेरे पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं तो मैंने कहा अब सारी चीज़ें एक जगह रख के अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो बनाते हैं तो ये हैं जी सारे पार्सल्स आप देख सकते हैं इसमें कुछ फर्नीचर भी है काफ़ी बड़ा सारा और नीचे छोटे मोटे बहुत सारे पार्सल्स भी हैं तो एज यूजल आपको सबके प्राइज स्क्रीन पर मिल जाएंगे सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो भी ऑर्डर करना हो कर लीजिएगा तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो ये आ गया जी हमारे पास पार्सल नंबर वन इसको खोल के देखते हैं मुझे सच्ची ना याद नहीं है मैंने क्या क्या मंगवाया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे भी काफ़ी मज़ा आएगा सरप्राइज मिलेगा तो ये जी पार्सल खोल लिया है एंड इसके अंदर हमारे पास है डिजिटल क्लॉक अच्छा ये जो क्लॉक है ना मैंने पिंट्रस्ट पर इतनी ज़्यादा देखी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इनफैक्ट काफ़ी जो यूट्यूबर्स वगैरह जो रूम टूर की रूम इंस्पिशन की जो वीडियोज वगैरह डालते हैं वो भी देख लो सब में आपको ये डिडिटल क्लॉक जरूर नज़र आएगी तो मैंने बहुत ढूंढी आखिरकार मुझे दराज पर मिल गई थी और मैंने ऑर्डर कर ली थी अच्छा जब मैंने ये ली थी उस टाइम पे ये तीन हज़ार की थी बट अब ये चार हज़ार की

अपनी वॉइस में लगा सकते हैं तो आपकी अपनी आवाज़ से यहाँ खुलेगी ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं इसमें काउंट डाउन या टाइमर भी लगा सकते हैं मतलब ऑल राउंडर चीज़ है ये और मुझे डेफिनेटली ये बहुत पसंद आई है अपने रूम के लिए पता है मैं कुछ और लेती या नहीं लेती अलग बात थी ये डिजिटल क्लॉक मुझे जरूर लेनी थी क्योंकि बहुत पसंद आई थी मुझे काफी पिंटरेस्टि वाइब्स देती है काफी एस्थेटिक सी लगती है तो अगर अपने रूम के लिए कुछ एस्थेटिक आप देख रहे हो कोई अच्छी सी वॉच या कोई अच्छी सी क्लॉक देख रहे हो तो गो फॉर इट काफ़ी काम आने वाली है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया चलो अब ये नेक्स्ट पार्सल खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है अच्छा जी तो ये जो पार्सल है ना ये मुझे कोई उन्नीस बीस दिन के बाद डिलीवर हुआ था क्योंकि ये वो ओवरसीज डिलीवरी थी तो यानी कि चाइना से मंगवाया था इसलिए यहाँ पे आने में टाइम लगा था बट बहुत काम की चीज़ें हैं मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये एंड हैव अ लुक एट दिस इतने प्रिट्टी लगते हैं ना मुझे येलो ट्यूलिप्स कि आपको बता नहीं सकती मैं पाकिस्तान में आई I मीन mean, कराची में कुछ फ्लोरिस्ट के पास तो होते ही नहीं है कही कहीं कहीं अगर मिल भी जाएँ तो बहुत महंगे मिलते हैं ट्यूलिप्स इस्पेशली येलो तो मैंने कहा यार ये मंगवा लेते हैं फेक ताकि बार बार न्यू ख़रीद के ना डालने पड़े वॉज में तो ये फ़ेक है आर्टिफिशियल हैं ये फ्लावर्स असली नहीं हैं लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं मैंने बहुत ढूंढा था ये और मुझे एक जगह पे दिखा था दराज पे ही जहाँ पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे इनफैक्ट काफ़ी सारे कलर्स भी हैं इसमें वाइट भी मिल जाएगा पिंक था वॉयट था तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे देखने में महंगे तो हैं लेकिन सच्ची बताऊँ ना वर्थी और मनी वाला सीन है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मुझे पसंद आए बहुत इनफैक्ट जो उसका जो पेटल है ना फ्लावर का वो भी कोई ऐसी चीज़ से बना है जो कि अगर गीला भी हो जाए तो ख़राब नहीं होगा आई थिंक वो जो बलून वाली प्लास्टिक होती है ना कुछ उस टाइप का फैब्रिक है ये फैब्रिक भी नहीं है कोई प्लास्टिक टाइप की चीज़ है बट बिल्कुल ओरिजिनल लगता है ये मुड़ने के बाद ख़राब भी नहीं हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं और इनके पेटल्स तक में जो वो लाइनें बनी हुई हैं बिल्कुल रियल लग रही हैं वो भी तो देखने में कोई बता भी नहीं सकता कि ये फेक है या ओरिजिनल है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए बाय करना हो तो कर लीजिएगा मेरी तरफ से रिकमेंडेड है नाउ लेट्स मूव ऑन टूव दी नेक्स्ट पार्सल अच्छा मुझे जरा भी आइडिया नहीं हो रहा है इसके बारे में कि इसमें क्या है क्योंकि ये काफी मतलब चकोर सा बॉक्स है लेकिन ये बहुत हल्का सा है तो आई डोंट नो इसमें क्या होने वाला है लेकिन लेट्स फिगर इट आउट ओ बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है ये आई थिंक आप सब ने दराज पे देखा हुआ ही होगा काफ़ी मतलब टॉप सोल्ड प्रोडक्ट्स में से ही है तो ये प्लास्टिक का ना ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर चाहो तो आप स्टेशनरी रख सकते हो चाहो तो मेकअप वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो और यकीन करोगे ये इतना ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र है इसमें ड्रॉड लगी हुई है ऊपर सेक्शन हैं और कोई चार सौ के आस पास का है काफ़ी अच्छा लगा और आई के ड्यू नॉट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी मतलब प्लास्टिक है वैसे तो लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्राइस काफ़ी अच्छी क्वालिटी है नीचे ये पिंक वाली इसमें ड्रॉर है ऊपर ये छः सेक्शन बने हुए और साइड पे जो दो सेक्शन हैं वो गहरे वाले मतलब फुल लेंथ है देखो मैं इसमें ये मिनी सीजर डाल के दिखा रही हूँ मतलब ये फुल लेंथ है ऐसे वाले इसमें आप पेन्स वगैरह रख सकते हो अगर मेकअप वगैरह है तो मेकअप ब्रशेज रख सकते हो बट मैंने अपनी स्टडी टेबल के लिए मंगवाया यानी कि स्टेशनरी वगैरह के लिए तो यस काफ़ी काम की चीज़ें चीज़ें सारी एक जगह हो जाएंगी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तो लेना चाहो तो ले सकते हो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा अच्छा अब ये नेक्स्ट पार्सल खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ Again, है अगेन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसके अंदर क्या है ये सेम वैसे ही चकोर बॉक्स है लेकिन ये भारी है तो देखते हैं क्या है तो बॉक्स तो ये खोल लिया है इसके अंदर ये क्या है अरोमा थेरेपी कैंडल सूट अच्छा है गेस मैंने एक डिफ्यूज़र और कैंडल का सेट मंगवाया था ऑरेंज आई थिंक ये वो है टू तो बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे से बॉक्स में आएगा ये काफ़ी मतलब लग्जोरियस सी चीज़ लग रही है ये तो बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर से देखते हैं ओह ओ दिस इज़ टू गुड यार सच्ची में अगर ऐसा कोई गिफ्ट मिले ना किसी को तो मतलब उसका दिल खुश हो जाए सोचो ना ऐसे अच्छे से बॉक्स में अगर ये आ रहा है तो एक तरह से ये गिफ्ट भी हो सकता है अच्छा ये जिसमें एक है कैंडल पाइनस पिनी लिखा है और इसकी जो खुशबू है ना पता है वो जो हल्दी वाला दूध होता है ना एकदम उसकी तरह है, है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इसमें सिटरेसी स्मेल भी आ रही है तो ये तो बर्न करने के बाद पता चलेगा अंदर से कैसी है बट कैंडल देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है बहुत एस्थेटिक लगेगी और ये आई थिंक हमारा डिफ्यूज़र है इसी के लिए मैंने ये पूरी चीज़ ऑर्डर की थी सेट क्योंकि मैं डिफ्यूज़र ढूंढ रही थी बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे तीन तीन हज़ार का एक डिफ्यूज़र था बट मुझे एक पेज पे ये दिखा बारह तेरह सौ का ये सेंटेड कैंडल और डिफ्यूज़र का सेट था तो मैंने कहा बहुत सस्ता है यार ये तो साथ में कैंडल ही मिल रही है तो सच में बता रही मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है स्टिल आई मैन शॉक का ये इतना अच्छा है इतने कम प्राइस में वो भी तो ये डिफ़्यूज़र है आई थिंक ये इसके साथ इसकी डिफ़्यूज़र स्टिक होंगे इसको भी खोल के देखते हैं और इसके अंदर हाँ जी इसमें डिफ्यूजर स्टिक्स हैं जो कि ये डिफ्यूज़र की जो बॉटल है ना इसमें प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है उसको निकाल के ये डिफ्यूजर स्टिक डालनी होगी ज़बरदस्त यार मतलब सॉलिड हंड्रेड आउट ऑफ टेन दे रही हूँ उसको मैं दिल खुश हो गया मेरा ये देख के बेहतरीन चीज़ है बहुत ज़बरदस्त तो इसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इसको एज अ गिफ्ट भी किसी को दे सकते हो अपने आप को ये गिफ्ट दे सकते हो आई एम श्योर आपको भी इतना ही पसंद आएगा अच्छा अब ये वाला पार्सल खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है इट्स अ ह्यूज बॉक्स और मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया हो रहा है कि इसमें क्या है तो इट विल बी अ सरप्राइज फॉर मी टू तो इसको खोल लेते हैं अच्छा फिलहाल तो बहुत सारा कचरा ही दिख रहा है इसमें थेलियाँ थेलियाँ हैं इसको हटाते हैं ये क्या चीज़ है ओह दिस इज़ अ लैम्प ये मैंने लैम्प ऑर्डर किया था और पता है क्या ये आई का लैंप है बताओ मुझे कैसे मिला दराज पे मुझे खुद नहीं पता कैसे मिला लेकिन बहरहाल ये ओरिजिनल आई का लैंप है लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी शेप समझ में नहीं आ रही है ये कैसा है आई थिंक इसको असेंबल करना होगा ये इसमें मैनुअल दिया हुआ है और देख सकते हो उस पर आई क्या लिखा हुआ है और ये लैम्प कुछ इस तरह से दिखेगा मैं जरा बैक कैमरा उसको सही करके आती हूँ ये लैम्प ऊपर से बस फिक्स करना था ऊपर नॉट सा बना हुआ था एक तो ये है जी लैंप और ये मुझे आई का ओरिजिनल लैंप दराज में मिल गया एक स्टोर है दराज पे उनके पास काफी सारी आई की और भी चीजें थी तो टू बी ऑनस्ट देखने में काफी क्लासी सा एलिगेंट सा लैम्प लग रहा है इसमें बल्ब वगैरह भी लगाया नहीं है मैंने है ही नहीं मेरे पास दरअसल तो वो लगाती हूँ तो फिर मैं आपको इनशाला किसी और वीडियो में दिखा दूँगी अच्छा हम इन्फॉर्म कर दूँ मैंने एक्सपेक्ट किया था ये कोई और मटेरियल होगा बट ये काफ़ी हार्ड वाली प्लास्टिक है मटेरियल बहुत अच्छा है मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मटेरियल ख़राब है बहुत अच्छा हैवी वाला मटेरियल है बट स्टिल है प्लास्टिक तो मैंने कहा आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ मैं चलो अब ये नेक्स्ट पार्सल खोल के देखते हैं इसमें मुझे ऑलरेडी पता लग गया है इसका साइज देखिए कि इसमें क्या है क्योंकि ये पतला सा है और बिल्कुल सकोर है तो आई थिंक मैंने मेडल ग्रिड मंगवाई थी इसमें वही होनी चाहिए इसको खोल लिया है एंड यस मेरा तुक्का सही लगा है तो ये मेटल ग्रिड है एंड आई एम प्रिटी श्योर आपने काफ़ी जगह देखी होगी हर कोई अपने डेस्क के ऊपर लगाता है इसको इसको रेडी वगैरह करते हैं इसमें पोलोराइट्स वगैरह भी लगाते हैं तो मैंने वही मंगवाई थी साथ में ये वुडन क्लिप्स हैं और ये जो ग्रिड है उनके पास दो कलर्स में था एक ब्लैक था एक वाइट था और मुझे ये व्हाइट वाला बेटर लग रहा था तो मैंने व्हाइट ही लिया है बाकी क्वालिटीज़ की अच्छी जैसी मेटल ग्रिड्स की होती है वैसी है और मैंने सबसे सस्ता वाला लिया था दराज पे तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बायदाब इन लोगों ने साथ में ना वो कीले वगैरह भी दिए हैं फिट करने के लिए तो ये था जी मेटल ग्रिड यहाँ पर मैं कुछ प्रिंटर्स से ना इंपरेशन लगा रही हूँ कि इसको आप डेकोरेट कैसे कर सकते हो तो अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद लेना काफ़ी अच्छा लगता है रूम में एकदम से ना वाइब चेंज हो जाती है आपके रूम की तो अभी वाला पार्सल खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है तो ये जी कट कर लिया है इसको एंड अच्छा इसमें यह है आर्टिफिशियल बेल वो हरे पत्तों की फेक वाली वो बेल नहीं होती है वो है अभी पता नहीं कितनी ऑर्डर किया है मैंने ये थर्ड आ गई और भी है फोर्थ और अच्छा नहीं ये चार हैं अच्छा ये चार बेल ऑर्डर की थी मैंने और इसके प्राइस हैं वन सिक्सटी फाइव ईच और तकरीबन ये एक बेल ना कोई साढ़े छः फिट की है मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अंदर से ये है कैसी अच्छा ये खासी उलझी पड़ी है मैं ज़रा बैक कैमरा इसको खोल के आती हूँ वो ऐसे नो टूट जाए मुझे भी ये अच्छा तो ये जी खोल दी है मैंने ये आप देख सकते हो प्रॉपर जो लीफ वाली शेप होती है वो नहीं है थोड़ा सा मेपल लीफ जो होता है ना कुछ उस टाइप का है मेपल भी नहीं कुछ अलग तरह का लीफ है बहरहाल आप देख सकते हो अच्छा वैसे मैंने एक लोकल मार्केट से ये बेल ली थी अभी रिसेंटली कराची में गुल प्लाजा है डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें मिलती हैं वहाँ तो वहाँ से मैंने ली थी थी वहाँ से मुझे ढाई सौ रुपये की मिली और फिर मैंने आके दराज पर देखा तो वहाँ पर एक सौ की थी तो जाहिर सी बात है सस्ती ये पड़ी मैंने ज़्यादा फिर यहाँ से मंगवा ली तो डेफ़िनेटली सस्ती हैं क्वालिटी भी नॉर्मल ही है जैसी होती है और देखने में मुझे इसकी लीफ की शेप अच्छी लगी थी थोड़ी सी डिफरेंट थी तो आपको ट्राई करना तो देख लेना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी अच्छा ये ह्यूज बॉक्स पड़ा है इसको खोल के देखते हैं क्योंकि मुझे वन परसेंट भी आइडिया नहीं हो रहा है इसमें क्या है क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे बॉक्स हैं तो इसको खोल लिया है जी और ये काफ़ी सारा थर्मापोल पड़ा हुआ है इसमें आई गेस फ्रेम्स हैं ओ आई एम एक्साइटेड अच्छा जी तो मैंने कुछ फ्रेम्स ऑर्डर किए थे और ये आपको मैं दिखाती हूँ वाह अच्छा ये जो ना, customized frames है ना कस्टमाइज फ्रेम्स हैं मतलब ये सारी पिक्चर्स मैंने प्रिंट्रेस से ली थी और मैंने उनको भेज दिया था चैट पर दराज पर ही तो मतलब आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो इस तरह से और ये एक ही स्टोर से मैंने तकरीबन नौ दस फ्रेम्स ऑर्डर किए हैं अच्छा मैंने जो भी फ्रेम्स जिस साइज़ में ऑर्डर किए हैं मैं वो मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे भी तो फिलहाल ये दूसरा सेट खोल के देखते हैं फ्रेम्स का कि इसमें क्या है वाइब्स वाओ ओ वाओ अच्छा तो ये सबसे छोटे वाले फ्रेम आएंगे इस ये फोर बाई सिक्स के हैं जितना मुझे पता है वैसे मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में तो ये हो गए जी दो फ्रेम्स और अब ये वाला सेट खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है इसके अंदर ओह नाइस यार ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है पिंक वाले का एक पे लिखा हुआ है नेवर स्टॉप ग्रोइंग और सेकंड पे लिखा है डोंट इग्नोर योर पोटेंशियल गुड हो गया यार बहुत अच्छा लग रहा है ये तो अच्छा ये एक और है ये तीन का सेट है तो ये वाला चेक करते हैं नाइस अच्छा बाय वायदा भाई सारे इंस्पिरेशन मैंने पिंटरेस्ट से ही लिया है वहाँ पर इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और डिजिटल इलस्ट्रेशन काफी चल रही है तो वहीं से डाउनलोड किए मैंने आपको बीजिली मिल जाएंगे अच्छा ये दो बड़े फ्रेम्स और हैं और दोनों पे कोड्स लिखे हुए मुझे ना ये वाला टेक्स्ट बड़ा मजे का लगता है इस टेक्स्ट का मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं पता है बट बहुत फंकी और क्यूट सा टेक्स्ट लगता है ये और कोड्स भी अच्छे हैं कलरफुल भी हैं हाँ जी तो ये आ गए सारे के सारे फ्रेम्स और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन 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 फ्रेम्स, ना, 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 ना फ्रेम्स हैं ये इन टोटल एंड सही बताऊँ आई एम लविंग दैम कलर सबके बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वॉल पे मुझे पता है बेस्ट लगने वाले हैं ये एकदम वाइब चेंज हो जाएगी रूम की प्लस क्वालिटी वगैरह अमेजिंग है वुडन फ्रेम्स हैं साइड के और सामने मेरा मेरा नहीं आई मीन ग्लास लगा हुआ है इसके आगे तो डेफिनेटली रिकमेंडेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगेन एक ये बड़ा सारा ह्यूज बॉक्स है जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है इसमें क्या है तो लेट्स ओपन एट हाँ जी तो दिस इज़ इट और ये हमारे पास है डबल डेकर मिररड वैनिटी ट्रे ये इसका नाम है टाइटल लिखा होता था दराज पे तो बेसिकली ऑर्गेनाइज़र है एक तरह से वैनिटी के लिए या आई थिंक इसका फ्रेम है और इसमें ये मिरर होने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से मैं खोलने वाली हूँ क्योंकि ऐसे अनबॉक्सिंग करते हुए मैं काफ़ी चीज़ें तोड़ चुकी हूँ ऑलरेडी तो इसके अंदर हाँ जी ये मिररर्स तो ये आई गेस इसमें फ़िक्स करने होंगे ये पतला वाला मिरर है और इसको ध्यान से टूट ना जाए यार मुझसे बस ये इसमें लग गया ना हाँ जी ये बड़ा मिरर आ गया और ये रही मैं कैमरे के पीछे और ये भी इस तरह से अगेन सेम यहाँ पर लग जाएगा तो असेंबल करने के बाद ये आपकी जो ट्रे है वेनिटी ट्रे कुछ इस तरह से दिखेगी लुक्स वेरी एलिगेंट और काफ़ी क्लासी और बूझ सी लग रही है अच्छा इसमें अपनी चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज कर लो आप मेकअप स्किन केयर परफ्यूम्स कुछ भी यहाँ पर मैं कुछ सामान रख रही हूँ अपना आ गया जी मॉइस्चराइज़र परफ्यूम सरम और ऊपर भी ये परफ्यूम्स हैं तो उसको अच्छे से सेट वट कर सकते हो आप और आपकी सारी चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी और देखने में काफ़ी एलिगेंट भी लगेंगी मैस नहीं लगेगा एक जगह रखा हुआ बस मुझे वो थोड़ा सा एक बॉर्डर कर रही है चीज़ ऊपर जो पतला वाला मेरा रहे ना वो राइट साइड से ऐसा सा लग रहा है सही फिक्स नहीं हुआ है थोड़ा सा उठा हुआ है तो उसका कुछ मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा प्लस आई एम थिंकिंग कि के मेस पे फोमिंग टेप या डबल टेप जो होता है ना वो मैं लगा दूँगी ताकि एटलीस्ट ये अगर हिले तो इसके शीशे निकल के ना गिरा तो एज यूजुअल आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ यू वांट टू बाय इट तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना अच्छा जी अब ये वाला पार्सल खोल के देखते हैं अच्छा मैंने एक नियॉन साइन कस्टमाइज कराया था आई थिंक वो इसमें तो बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं तो लेट्स सी ओ नाइस यार ग्लो अप अच्छा लग रहा है ना अच्छा पहले मैंने सोचा था पूरा ग्लो अप विद महानूर लिखवाऊंगी बट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था वो तो मैंने कहा खैर सिर्फ ग्लो अप लिखवा लेते हैं और साइड में मैंने क्राउन भी बनवाया है वो मैं इसको लगा के दिखाती हूँ बल्कि ये जी चार्जर है साथ में और ये यहाँ पर आई थिंक ये चार्जर की पिन लगेगी गोल वाली और इसको लगा के लेट्स लाइट इट अप पहले मैं इसको चेक करती हूँ किस तरह दिख रहा है लाइट्स वगैरह बंद कर दी हैं आर यू रेडी ओह अच्छा लग रहा है अच्छा ये जो ग्लोअप है ना वैसे मैं इनिशियली पर्पल में करा रही थी क्योंकि मुझे पर्पल अच्छा लगता है कलर लेकिन उन्हें कहा कि पर्पल ना थोड़ा सा लाइट कलर होता है नियॉन में तो आप पिंक कराएं तो वो ब्राइट दिखेगा ज़्यादा मैंने कहा चलें गुड है वो कर वो बाकी हाँ ये क्राउन मुझे येलो ही चाहिए था एकदम वैसे ही आया है लविंग इट यार जबरदस्त सीन हो गया है बहुत अच्छा लग रहा है लिखा हुआ भी काफ़ी अच्छा है प्लस इसकी लाइट भी काफ़ी ब्राइट है जबरदस्त इसका लिंक आपको मिल जाएगा दरा से ही मंगवाया मैंने कस्टमाइज़ करवाया है बेहतरीन चीज़ है यार चलो अब नेक्स्ट पार्सल देखते हैं कि उसमें क्या कमाल की चीज़ है और इसकी शेप देखकर मुझे बिल्कुल आइडिया हो गया है कि इसमें क्या है बट आपको नहीं पता है तो आपके लिए जो सरप्राइज है तो उसको अनबॉक्स करता हूँ हाँ जी सो हेर वी गॉट सम आर्ट सप्लाइज़ और सबसे पहले हमारे पास है ये फाइव पैलेट नाइफ्स का सेट अच्छा ये बेसिकली पेंट uh, जो होता है उसको मिक्स करने के लिए उसको पिक करने के लिए इनफैक्ट पेंटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मुझे एक डिफरेंट पेंटिंग टेक्निक ट्राई करनी है मतलब वो जो टेक्सचर टाइप वाली पेंटिंग होती है जिसमें सैंड वगैरह मिक्स करते हैं फिर उसे थ्री डी वर्क करते हैं तो कुछ वो ट्राई करने का दिल था मेरा इसलिए मैंने मंगवाया था ये बाकी वैसे मिक्सिंग वगैरह के लिए भी काम आने वाली हैं ये इसके अलावा जी ये डबल साइडेड फोमिंग टेप मंगवाया था ये वैसे घर में काफ़ी चीज़ों के लिए काम आता रहता है तो बस इसलिए अच्छा इसके अलावा ये जी मेरे पास है इसमें वाइट एक्रेलिक पेंट ऑब्बियसली सही बताओ ना मतलब ऑनस्टली आई कैन नेवर हैव इनफ वाइट पेंट मेरे पास बारह कलर वाले दो तीन सेट्स से, हैं उन सब के वाइट पेंट खत्म हो गए सेपरेटली मैंने दो तीन बार खरीदे हैं वो भी खत्म हो गए फिर ये मैंने दोबारा मंगवाया अब मेरा टेम्पर लूज़ होगा ना नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा डब्बा मंगवा लूँगी क्योंकि यार वाइट बहुत जल्दी खत्म होता है अच्छा इसके अलावा ये कैनवास में मंगाया था कॉटन वाला कैनवास है ये साइज़ पर्टिकुलरली ना मुझे सेट में नहीं मिलता है ये है एट बाय टेन वाला कैनवास तो कुछ अगर आपको वर्टिकली कुछ अच्छा सा ड्रा करना हो तो बेटर रहता है इसमें तो ये थी पेंटिंग से रिलेटेड दो तीन छोटी मोटी चीज़ें अब जो मेन चीज़ है ना जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी जब से मैंने ऑर्डर किया था तब से मुझे इसका वेट था और मैं खोल नहीं पा रही थी क्योंकि ज़ाहिर मुझे वीडियो बनानी थी वो है इस बड़े वाले डब्बे में अब इसको खोल के देखते हैं तो ये बहुत सारे जो लकड़ियों के पार्ट्स दिख रहे हैं आपको ये बेसिकली मैंने ईजल स्टैंड ऑर्डर किया है पेंटिंग के लिए इसके सारे पार्ट्स असेंबल करने पड़ेंगे साथ में ये कीलों का और नट बोल्ट वगैरह का पैकेट आया है जो मुझे बहुत स्ट्रेस आउट कर रहा है साथ में ये एक मैनुअल भी है इसमें प्रोडक्ट लिस्ट लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या पार्ट्स गिवन होंगे और नीचे असेंबल करने की गाइड है इसको इंस्टॉल करने की तो इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क लेकिन मैं इसको बैक कैमरा जल्दी से करके आती हूँ तो फाइनली फाइनली कोई दो ढाई घंटे के बाद ये असेंबल हुई है मुझसे एंड आई ऑलमोस्ट इट अ ब्रेक डाउन क्योंकि बहुत मुश्किल है यार एक एक नट फिट करना इतने छोटे छोटे इतने सारे पार्ट्स हैं लेकिन मज़ा आया मतलब सबर का फल मीठा होता है वाली बात है काफी अच्छा लग रहा है ईजल मुझे बाय द वे इसमें तीन साइज होते हैं एक सबसे बड़ा एक मीडियम एक स्मॉल मैंने सबसे स्मॉल वाला लिया क्योंकि मोस्टली मैं बैठ के करती हूँ खड़े होकर पेंटिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये पेंटिंग ईजल मुझे कब से लेना था मेरी विश लिस्ट में था फाइनली अब ले लिया और इसमें ये कैनवस भी लगा दिया बाय द वे ये पेंटिंग मैंने की है मुझे कॉमेंट्स में बताना कैसी लग रही है और मैं अपने मोस्टली आर्ट सप्लाईज इसी स्टोर से लेती हूँ तो आपको भी रेकमेंड करूँगी इनका लिंक मैंने ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में चलो जी अभी बड़ा वाला पार्सल खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है अच्छा मुझे तो पता लग गया इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ इसका कार्टन हटा के ये तो ये आ गया जी हमारा मेन प्रोडक्ट और ये है कम्फर्टर अब ये जो है ना कम्फर्टर मेरी बहुत टाइम से विश लिस्ट में था और जब भी मैं इसको देख रही थी ये कम से कम भी ना चार हज़ार साढ़े तीन हज़ार ऐसे से मिल रहा था मतलब सर्दियों में और अब गर्मियों में मुझे ये मिल गया है बाईस सौ रुपये का तो मैंने कहा खैर है यार सर्दिया ने बस दो महीने हैं लेकिन ये मुझे एकदम हाफ़ प्राइस पे मिल रहा है तो बाय करना चाहिए एंड अभी मैं इसको खोल के देख रही हूँ इतना सॉफ्ट है ना ये मतलब वो मिनीसो के जो प्लशज वगैरह होते हैं ना बिल्कुल उनकी तरह सॉफ्ट है ये मतलब मेरा दिल कर रहा है अभी उड़कर उसको सोचाऊँ बहुत मज़े का है यार ये अच्छा, पास ये सारे साइज़ के कम्फर्टर्स थे मतलब किंग साइज़ क्वीन और एक्सेल और डबल एक्सेल पता नहीं क्या क्या होता है मैंने जो लिया है मैंने क्वीन साइज़ लिया है और परफेक्ट ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगा और ये बहुत मज़े का है बहुत सॉफ्ट है मैं आपको बोल रही हूँ अभी मिल रहा है ये बाईस सौ का ले लो सर्दियों में देखना ये महंगा हो जाएगा अच्छा इसका फैब्रिक और मटेरियल तो सॉफ्ट है ही लेकिन ये फ़ील भी ना काफ़ी वार्म और काफ़ी कोज़ी फील हो रहा है तो बहुत मज़े का है यार बहुत मज़े का मेरा दिल खुश हो गया ये लेके बिल्कुल तो अगर अपने लिए कोई कोजी सा आप रज़ाई या कोई कम्फर्टर वगैरह ढूंढ रहे हो ना तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है ट्राई करना ये वाला मज़ा आएगा हाँ जी तो छोटे मोटे जो पार्सल्स थे वो हो चुके हैं अनबॉक्स अब ये बड़ी चीज़ें बची हैं जो फर्नीचर रिलेटेड स्टफ़ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामान बाकी ये कुछ टेबल के ऊपर ही पड़ा हुआ है और ये छोटा वाला पार्सल है पहले ये निकाल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है हाँ जी तो दीज आर फ्लोटिंग शेल्फ़ ये आ, मैंने दो मंगवाई हैं प्राइज इसके टू थर्टी है यानी कि दो सौ तीस का ये एक शेल्फ है और इस तरह से इसमें हुक्स वगैरह लगे हैं पीछे दीवार में लगाएंगे एज अ स्टैंड काम करेगा फिर इस पर आप कुछ सजा लो कुछ भी रख लो अच्छा लगेगा अच्छा ये दो ऑर्डर की थी मैंने दूसरी वाली खोल के देखते हैं तो ये भी सेम वैसे ही वुडन शेल्फ है वाइट में लिए मैंने दोनों के दोनों और यहाँ पे कुछ पेंटरेस्ट इंस्पिरेशंस लगा रही हूँ कि आप इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं या किस तरह से इसको लगा सकते हैं तो यस ये थी जी हमारी वुडन शेल्फ अब ये बड़ा वाला पार्सल उठाते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट के इसके अंदर क्या है तो इसके चार लकड़ियां से आपको नजर आ रही होंगी इसे आप समझ गए होंगे क्या है तो मैं खोल के दिखाती हूँ तो जी पार्सल खोल लिया है ये जी हमारे पास है इसका वुडन स्टैंड एंड दिस इज़ दी अपर पार्ट जो कि चेयर का जो कि फ़िक्स होगा इस पर तो ये भी निकाल के देख लेते हैं तो ये जी है चेयर एंड लोकेट दी अमाउंट ऑफ कचरा मतलब खाली इस पार्सल में से ये इतना सारा कचरा निकला है अच्छा भाई देवे ये वाली चेयर ना अप इंटरेस्ट इंस्पायर्ड है क्योंकि मैंने जितने भी डेस्क मेक ओवर या स्टडी टेबल की इंस्परेशन दिखाली थी ना मुझे हर एक पिक्चर और वीडियो में ये चेयर नज़र आई थी और बहुत ही अस्थेटिक्स सी लगती है काफ़ी क्लासी सी लगती है तो तभी मैंने ऑर्डर की थी अच्छा अभी अगेन इस पार्सल में से ना ये नट बोल्ड और किलो वगैरह का पैकेट निकला है और देख मेरी बिल्कुल हट गई है क्योंकि अभी ढाई घंटे लगा के मैंने वो ईजल सेट किया है अब अगेन ये इतने सारे नट बोर्ड देख के ना एकदम एम्पर लूज़ हो रहा है मेरा तो मैं तो नहीं करने वाली है पापा का वेट कर रही हूँ वो आएंगे तो असेंबल करेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ यार हाँ जी तो चेयर हो गई है असेंबल देखने में मुझे बहुत प्यारी लग रही है सुपर स्थेटिक और ये ना बहुत ज़्यादा स्टर्डी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेयर है क्योंकि मैंने इंस्टा पे किसी की रील देखी थी सेम चेयर उन्होंने ली थी और उस पर खड़े होकर उन्होंने दिखाया था मैंने भी इस, इस पर एक्सपेरिमेंट किया इसको उल्टा करके इसके ऊपर खड़ी हुई मैं और बिल्कुल भी नहीं टूट रही है क्रैक तो दूर की बात है मतलब मैंने पूरी पूरी जंप मारी है इस पर और ये बिल्कुल बैंड तक नहीं हुई है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्टर्डी है और हाँ एक्सपेंसिव थी ऑब्वियसली ये कोई साढ़े पाँच छः हज़ार रुपये की पड़ी है ये बट मुझे पता है ये लाइफ टाइम काम आने वाली है और बहुत अच्छी लग रही है तो मेरे तो दिल खुश हो गया है अच्छा अब नेक्स्ट ये सबसे दो बड़े वाले पार्सल्स बचे हैं और ये आपको पता चल ही रहा होगा टेबल है ये इसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया था क्योंकि मुझे चेक करनी थी क्वालिटी तो इसीलिए थोड़ी सी खुली हुई लग रही है वरना ये काफ़ी अच्छे से पैक आई थी इसमें कार्टनस वगैरह लगे थे क्लिंग रैप लगा था सब कुछ गुड था मैंने खोल ली थी बीच में तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह की टेबल है अच्छा जी तो दिस इज़ हाउ माय टेबल लुक्स लाइक और ये मैंने अगेन दराज से ही ऑर्डर किया है दराज पर एक स्टोर है मिस्टर ए के नाम से मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया और मैंने सारा का सारा फर्नीचर अपना उन्हीं से कस्टमाइज़ करवाया है और ये जो टेबल है ना ये रियल में एड में कुछ इस तरह से थी मतलब ऊपर का टॉप इसका वुडन था और साइड के जो शेल्स हैं वो भी वुडन था और इसमें कोई ड्रॉर भी नहीं थी लेकिन जो मैंने कस्टमाइज़ करवाया मैंने कहा एक तो मुझे पूरा वाइट चाहिए प्लस मुझे बीच में एक बड़ी सारी ना ड्रॉर चाहिए क्योंकि चीज़ें वगैरह रखने के लिए बेटर रहता है उन्होंने कहा जी ठीक है हो जाएगा कस्टमाइज़ और असल में टेबल के प्राइस दस हजार थे मेरी कस्टमाइजेशन के साथ मुझे ये बारह हजार की तो ये यहाँ पर देखें तीन शेल्फ हैं बीच में पार्टीशन है पीछे ये दो और शेल्फ हैं चीजें वगैरह रखने के लिए किताबें वगैरह रख लो आप इसके अलावा जो बॉक्सेस वगैरह रखने हो, कुछ भी रख सकते हैं मतलब तो बेसिकली ये ड्रॉर थी जो कि मैंने एक्स्ट्रा कस्टमाइज़ करवाई है जो कि मुझे चाहिए थी काफ़ी अच्छी बड़ी स्पेस वाली ड्रॉर है और काफ़ी जैसे स्लाइड भी हो रही है ये वुडन क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है टेबल की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइस इनके प्राइस बहुत कम थे मैंने दराज पे काफ़ी सारे और भी स्टोर्स चेक किए थे और लोकली कराची में जाकर भी मैंने बात थी की थी फर्नीचर की शॉप्स पे कि मुझे ये कस्टमाइज़ करवाना है और सभी ने बहुत हाई फाई प्राइस बताए थे बट आई एम ग्लैड कि इन लोगों ने ट्वेल के में डन कर दिया एंड नॉट गोना लाई मैं थोड़ा सा डर रही थी ऑर्डर करते हुए मैंने कहा मतलब दराज से छोटी मोटी चीज़ें चलो मंगती रहती हूँ बट ये फर्नी है वो भी कस्टमाइज़ करवा रही हूँ मैं तो मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा लेकिन जब मुझे मिला ना मैंने उसी वक्त आते ही जैसे घर पे आया मैंने अनबॉक्स किया और इंस्टेंटली मेरा दिल हो गया था क्योंकि जो मुझे चाहिए थी जैसी चीज मुझे एक्जैक्टली वैसी ही मिली है तो ये मेरी स्टडी टेबल होने वाली है अच्छा इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करने के बाद ना सेम मैंने इसी मिस्टर वाले स्टोर से अपनी शेल्फ भी ऑर्डर की और मैंने वैनिटी भी ऑर्डर किया अच्छा वैनिटी तो रिसीव नहीं हुई अभी तक बट शेल्फ हो गई है तो शेल्फ को अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये अंदर से कैसी है हाँ जी तो दिस इज दी शेल्फ जो कि मैंने ऑर्डर की थी अगेन ये मैंने कस्टमाइज़ करवाई है तो इसके ना टोटल छः खाने हैं ऊपर के पाँच खाने जो है वो दस दस इंच के हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं बुक्स के लिए आई विल स्टैक ऑल माई बुक्स इन एट और जो नीचे वाला एक खाना है वो बीस इंच का है उसमें ज़ाहिर पार्सल्स वगैरह मेरे बहुत होते हैं तो पार्सल्स रख दिया है या वैसे कोई बास्केट में डाल के अपने चार्जर्स वगैरह कैमरा वगैरह सारे इक्विपमेंट्स रख सकती हूँ मैं तो इट्स अ वुडन शेल्फ वाइट में है ये और मुझे बहुत अच्छी लग रही है मतलब जो मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसे ही है बस एक थोड़ा सा फ्लॉ लग रहा है मुझे ये जो लकड़ी को ज्वाइंट करने के लिए जो कील और थोड़ा सा वो टुकड़ा लगाया ना मेटल का ये बहुत ज्यादा मतलब विजिबल हो रहा है मैंने बात भी की थी उनसे वो लोग ये कह रहे थे कि मजबूती के लिए ये इसके अलावा अगर किसी और मेथड से इसको जोड़ते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती लकड़ी में तो मैंने कहा चलो खैर है फिर अब जब हो ही गया नज़र भी सिर्फ ऊपर के खाने में ही आ रहा है बाकी में नहीं आ रहा तो मैं सोच रही हूँ उस पर कलर कर दूंगी दूँगी वाइट मेरे पास पेंट पड़ा है मैं उससे पेंट कर दूंगी तो आई थिंक छुप जाएगा वो अदर देन दैट काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे मैं से बुक्स वगैरह डाल दूंगी तो आई एम श्योर वो वो भी नहीं नजर आएगा बाकी यस yes, जी ये है शेल्फ यह कोई टेबल मैंने इन्हीं सेम स्टोर से वैनिटी भी ऑर्डर कर रखी है बट वो रिसीव नहीं हुई है टाइम लगेगा उसमें क्योंकि ये सियालकोट से आ रही हैं सारी चीज़ें तो मैंने कहा फिलहाल मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ इन शाला बाद में देखो तो जी फाइनली हमारा शॉपिंग हॉल पहुँच चुका है अख्तितम पे ये है वो सारी की सारी चीज़ें जो कि ऑर्डर की थी मैंने आ, काफ़ी टाइम से पायलप हो रही थी अब मैंने अनबॉक्स किया है बैठ के तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया वीडियो में आई होप कि आपको मुझसे भी ज़्यादा मज़ा आया होगा आज की शॉपिंग में ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो लगी हैं एक तो अपने टेबल और शेल्फ बहुत अच्छा लगा है मुझे येलो वाले ट्यूलिप्स बहुत पसंद आए अपना ग्लोब का नियन साइन बड़ा मज़े का लगा है लैम्प काफ़ी अच्छा है एंड वो सेंटेड कैंडल और डिफ्यूजर का सेट आला है वो तो और मतलब सभी कुछ बहुत अच्छा है ए टू जी सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया है सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्राइजेज मैंने मेंशन कर दिए हैं साथ साथ अब आई एम गोइंग टू रेनोवेट माय रूम अच्छा मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आपको उसकी वीडियो चाहिए या नहीं बाकी दैट वॉज इट फॉर टू वीडियो एंड टू शाउट आउट गोज टू रुमेसा अमार्ज ब्लॉग मेक श्योर टू सब्सक्राइब हर चैनल और अगर नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए आपको तो इस वीडियो पर कॉमेंट करो कुछ भी साथ में एशट में लिख देना ग्लोब विद महनूरू तो मुझे नोटिफाई हो जाएगा So yes, that was it. I'll catch you in the next video. Allah